मोदी जी आएंगे दोबारा, अगर आप वोट दोगे तो आएंगे, हम लोग तो वोट नहीं देंगे। अगर वो गलती करते रहे तो एक बार दो बार समझाइएगा, तीसरा बार में मुखिया चेंज कर देना ही उचित है। आरएसएस चाहेगा तो मोदी को उठा के कहीं भी बैठा देगा। आरएसएस से बड़ा कोई है क्या? बीजेपी, बीजेपी इज नॉट ग्रेटर देन आरएसएस। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आरएसएस बड़ा है, बीजेपी बड़ा। इसको समझाया जा रहा अभी प्यार से। क्या मतलब कि आरएसएस क्या ना बीजेपी नहीं मान, अभी नहीं मान रही है, प्यार से समझा रहे हैं। और नहीं मानेगी तो उठा के बाहर कर देंगे। सरकार ने डर के मारे जैमर लगा दिया ताकि इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाए, इतना डरी हुई है सरकार। बिल्कुल छोड़ दें, हम थोड़ी छोड़ेंगे, वो छोड़ दिया, अच्छी बात है, हम क्यों छोड़ें, हमको तो चाहिए खाना। ओपीएस छोड़े, वो तीन तीन पेंशन क्यों ले रहे हैं? वो कहे ना अपने सांसदों विधायकों को, वो अपने सांसद को आज फरमान जारी कर दे कि आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, देखिए उनका सरकार गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा, बिल्कुल। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली से आया हूँ और मैं वहाँ का कोषाध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ आज जो है हम लोग जंतर मंतर पर आए थे क्योंकि ये सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, यहाँ जो निगमीकरण निजीकरण किए जा रहे हैं और पुरानी पेंशन देने का नाम नहीं और अपने तीन तीन पेंशन पाए जा रहे हैं, तो उसी का दुख दर्द हम उनको बताने आए थे कि अभी भी सुन जाएं, समझ जाएं तो भविष्य में इनका थोड़ा भला हो जाए और नहीं तो फिर ये सत्ता के शीर्ष पर से उठा के नीचे बैठा दिए जाएंगे। मोदी जी आएंगे दोबारा? अब मोदी जी आएंगे दोबारा, अगर आप वोट दोगे तो आएंगे, हम लोग तो वोट नहीं देंगे। बिल्कुल कह रहे हैं आप, पता है दो बार मैंडेट के साथ। अरे दो बार आए, बिल्कुल आए, अगर इस बार भी आ जाएंगे, अगर वो काम कर दें, अगर वो खड़े होकर कह दें कि हम जो है निगमीकरण निजीकरण के पक्ष में नहीं है और निगमीकरण निजीकरण नहीं किया जाएगा, साथ ही सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाता है, बिल्कुल आएंगे 2024 में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बीएमपी, बीएमएस, हाँ, ये तो बीएमएस जो आरएसएस का पार्ट है ना? बिल्कुल है। फिर आपकी सरकार, अपनी सरकार में आप ये बताइए, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो गलती करते रहे तो एक बार दो बार समझाइएगा, तीसरा बार में मुखिया चेंज कर देना ही उचित है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पॉसिबल है कि आरएसएस करेगा सर? बिल्कुल, आरएसएस चाहेगा तो मोदी को उठा के कहीं भी बैठा देगा। आरएसएस से बड़ा कोई है क्या? वही तो, आरएसएस बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी इज नॉट ग्रेटर देन आरएसएस। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आरएसएस बड़ा है, बीजेपी बड़ा। इसको समझाया जा रहा है प्यार से। क्या मतलब कि आरएसएस का कहना बीजेपी नहीं मान, अभी नहीं मान रही है, प्यार से समझा रहे हैं, और नहीं मानेगी तो उठा के बाहर कर देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल बड़ी खबर है, बिल्कुल बड़ी खबर है, आप बना लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बड़ी खबर है। भारतीय मजदूर संघ की बात नहीं मान रही, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने आज अपनी ताकत दिखाई है। जंतर मंतर के मैदान में आपने देखा कितना मजदूर हमारा अंदर था, उससे दुगना बाहर था। यहाँ पे सरकार ने डर के मारे जैमर लगा दिया ताकि इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाए, इतना डरी हुई है सरकार। तुरंत 10 मिनट के अंदर यहाँ अपने प्रतिनिधि को भेज के आइए, बात वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप क्या करना है, आप सीधा सीधी डिसीजन ना लो कि निगमीकरण नहीं किया जाएगा, आपको ओपीएस दिया जाएगा बस। मोदी जी तो भाई कहते हैं कि उन्होंने तो तैयार समर्पण की जिंदगी जी रहे, सब कुछ छोड़ दिया जनता के लिए। अरे बिल्कुल छोड़ दें, हम थोड़ी छोड़ेंगे, वो छोड़ दिया, अच्छी बात है, हम क्यों छोड़ें, हमको तो चाहिए खाना। ओपीएस छोड़े, वो तीन तीन पेंशन क्यों ले रहे हैं? वो कहे ना अपने सांसदों विधायकों को, वो अपने सांसद को आज फरमान जारी कर दे कि आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, देखिए उनका सरकार गिर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल गिर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गिर जाएगा, सभी सांसद को चाहिए पेंशन, अब कर्मचारी को नहीं चाहिए। ऐसा कैसा नीति है? ऐसा नीति नहीं चलेगा इस देश में। जब आप कहते हैं एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान, तो एक राष्ट्र एक नीति एक पेंशन, ये होना चाहिए। मोदी जी इतना कुछ कोई गलत काम करते हैं? मोदी जी वो तो भगवान कप्तान है। अरे पूजा हो रही है? अरे बिल्कुल, अरे किस कहीं कहीं तो बराक ओबामा की भी पूजा हो रही है। मैं क्या करूं, पूजा करें जिनको करना है पूरे करें, अच्छी बात है। लेकिन 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 जो ऐसा बात है ना, ये वो जो अपना उनको जो पूजा कर रहे हैं वो अच्छा बात है, पूजा करें, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हमारी जो मांग है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ, हम लोग उसके लिए डटे रहेंगे। आज भी आंदोलन हुआ, आगे भी दो बार चार बार छह बार आठ बार जितना बार आंदोलन करना पड़े मजदूर संघ करेगी। लेकिन लेकिन जो है ना, मांगे पूरी नहीं करे, कितने लोग आते हैं प्रदर्शन करते चले जाते हैं। ये भारतीय मजदूर संघ ने आज पहला प्रदर्शन किया है, पहले प्रदर्शन में ही तीन तीन कैबिनेट मंत्री का बुलावा आ गया, ठीक है, और आगे भी अगर इस तरह से नहीं सुना जाएगा तो आगे इससे ज्यादा प्रदर्शन किया जाएगा, प्रचंड रूप से प्रदर्शन ही करेंगे। आप ये बताइए क्या उग्र प्रदर्शन करना, कई उग्र प्रदर्शन करना, मतलब ऐसा है ना कि आपकी मांगे नहीं पूरी, इलेक्शन भी आ रहे हैं तो खत्म। जो मेरी मांग को पूरा नहीं करेगा वैसे सरकार को बैठाए रखने से क्या फायदा? प्रदर्शन किया था अभी देखा, अभी अरविंद केजरीवाल बने हैं, सरकार गायब हो गई, वो भी गायब हो गए, सरकार गायब हो गई, कांग्रेस की सरकार गायब हो गए, सरकार गायब हो गई। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, ये प्रदर्शन से चेतावनी है।
कांग्रेस सरकार ने गलत की, कुछ नहीं किया था। मोदी जी तो कर रहे हैं 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। हम लोग भी 18 घंटा काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि वही काम कर रहे हैं? उन्होंने घोषणा कर दिया वंदे भारत बनेगा। वंदे भारत कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। 24 घंटा रेलवे, अभी आप यहाँ से निकलिएगा, लखनऊ का टिकट कटाइएगा, बैठ के चल जाइएगा। ट्रेन कौन चला रहा है? रेलवे ड्राइवर चला रहा है, गार्ड है, टीटी है, ये सब क्या है? अरे आप तो आराम करते हो यार, सरकारी नौकरी वाले काम। यही गलत सोच आप लोग बना दिए हैं, सिर्फ मीडिया वाले बना दिए हैं, आप लोग बना दिए हैं। जब कोरोना आया था तो रेलवे बंद हो गई थी, आपको किसने कहा? आपके घर में और डीजल पंप चल रहा था, रेलवे ही चालू थी, बाकी सब बंद थी। लोग पैदल कैसे चले थे? अरे पैदल इसलिए चल रहे थे क्योंकि मालगाड़ी का उस समय क्षमता संचालन ज्यादा किया जा रहा था और बाकी पैसेंजर ट्रेनों को कोरोना महामारी के चलते बंद कर दिया गया था, इसलिए लोग पैदल चल रहे थे। निजी गाड़ी को कह रहे हैं तो लोग, सरकार का तर्क है कि इससे जो है फायदा होगा, राष्ट्रीय हित में है और लोगों को फायदा होगा, रोजगार पैदा होगा। बिल्कुल नहीं पैदा होगा इससे रोजगार, इससे जो सरकारी कैसे होगा? निजीकरण करने से प्राइवेट कर्मचारी रखा जाएगा, प्राइवेट कर्मचारी को ठेकेदार और मैनेजमेंट मिलकर उसका शोषण करेंगे, पेपर में दिखाएंगे 20,000 तनख्वाह दे रहा है उसको, जाकर 6,000 रुपया, तो ये जो 15,000-14,000 घपला हुआ तो किसका हुआ? ये पैसा कहाँ तक जाता है, ये घपला होगा। दूसरी चीज जो उद्योग फायदे में है, जैसे रेल, भेल, सेल, बीपीसीएल, फायदे वाले उद्योग जो हर साल आपको सालाना 1,000 करोड़ कमा के देते हैं, उनको अगर आप बेचेंगे तो इससे किससे फायदा होगा? आपके किसने कहा? सरकार हमसे बात करे ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार हमसे बात करे, हम डाटा लगते हैं कितने फायदे में कितने घाटे में। चले भैया, रेलवे स्टेशन को लीज पर दिया गया, 15 रेलवे स्टेडियम को और कई हजार। आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाइए, उसका नाम कर दिया गया है कमलापति, ठीक है, वहाँ जाइए, देखिए आप उस स्टेशन का हाल क्या है। लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं उस स्टेशन पे, जब लोग ही नहीं आएंगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? आप बाइक लेके जाइए, वहाँ 100 रुपया चार्ज नहीं होगा, 100 रुपया चार्ज है वहाँ, कैसे लोग आम जनता आ पाएगी बताइए आप हमको? मोदी जी दिन वापस ला रहे हैं, मोदी जी दिन वापस लाएंगे भैया, तो लाएंगे हमको, अगर पुरानी पेंशन मिलेगी तो हम समर्थन करेंगे, अन्यथा बाय बाय। अब चले भैया, ट्रेन है, ट्रेन है, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।